और अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिले के डभौरा थाना के अंतर्गत हरदोली रोड के पास विगत दिनों दोंदर निवासी सुरेश मिश्र तथा बस वालों से झगड़ा हो गया था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मनीष पांडे नाम का आरक्षक पहुंचा और सुरेश मिश्र के साथ मारपीट की। इसके बाद डभौरा थाना पुलिस के द्वारा थाना ले आया गया। थाना प्रभारी ने पूरी घटना सुनी और इतना धमकाया कि मार खाने वाले के सुर ही बदल गए। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रमणि को, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि पुलिस के डंडे में आम व्यक्तियों पर कितना खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। मैं चंद्रमणि मिश्रा जी, राम दोनर का हूँ जी। ये सर, आपके बालक के उससे कुछ विवाद हुआ था, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बस और बस वालों से थोड़ा हल्का फुल्का विवाद हुआ था जी जी। वो बस वाले 100 नंबर में सूचना कर दिए थे, वहाँ पुलिस पहुँच गई थी जी। तो दो चार लपड़ मार कर कोई मनीष पांडे करके जी जी वो थाना ले गया था जी जी। फिर हमको जैसे पता चली जी जी, तो मैं थाना गया जी जी। थाना प्रभारी वो मैडम आके जी जी पूरे शिष्टाचार के साथ जी जी और वास्तविकता जानने के बाद दोनों पक्षों में सुलह समझौता करवा दी जी जी। और पुलिस का उसमें मनीष के अलावा जी जी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।